कि क्या औरत भी तलाक दे सकती है, तो इस्लाम के अंदर इसको इख्तियार दिया गया है, लेकिन उसको जो है उसके अंदर खुला कहते हैं, उसको तलाक नहीं कहते, उसका जो है नाम उसके अंदर दूसरा है। और अच्छा कि इसके अंदर भी जो है कि क्या औरत भी दे सकती है, तो उसके लिए उलमा ने आलिमों ने कुछ आलिमों ने एक तरीका निकाला कि औरत भी तलाक दे सकती है। उसका तरीका क्या है? तरीका यह है, उसको कहते हैं तफवीज़ तलाक। तफवीज़ तलाक क्या कि मियाँ बीवी जब निकाह हो रहा है उससे पहले एक मुआहदा कर ले। क्या मुआहदा कर ले कि अगर मैंने ये कह दिया, औरत कह रही है कि मैंने तुमसे ये कह दिया कि मैंने तुमसे तलाक ली या तुमने मुझे तलाक दी, जिस दिन मैंने ये बोल दिया हमारी तलाक हो जाएगी, पहले से ये सब जो है मुआहदा कर ले में। तो इसको किया गया तो खुद ब खुद तलाक पड़ जाएगी। तो इसके अंदर या एक बोलना हो तो एक भी बोल दे कि मैं एक बार बोलेगी तलाक हो जाएगी, तीन बार बोलेंगे तो तलाक हो जाएगी पहले से इसके अंदर। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये इसलिए राइज नहीं हुआ क्योंकि निकाह का वक्त चल रहा है, अब अच्छा काम है और उसके अंदर तलाक की कौन बात करेगा, तो ये राइज नहीं हुई। लेकिन इसको दिया गया, लेकिन ये है कि ये दोनों को चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने हल निकाला। लेकिन ये है कि इसको कोई पसंद नहीं करेगा और इसकी कोई दलील भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने निकाला है, हालांकि अल्लाह ने तरीका नहीं बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका नहीं बताया, तो ये तो हीला है। हीला उसको कहते हैं धोखा देने को। तो जब वो तरीका ही नहीं बताया तो मतलब आप नऊज़ुबिल्लाह के अल्लाह के कानून में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने एक नया तरीका निकाला तलाक औरत को दिलवाने का। तो ये भी क्या है कि ये भी वो नहीं है, और अल्लाह की जो शरीयत है कानून है कयामत तक के लिए इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जिसने जरूरत की कमी रह गई तो उसने ये सहल उसके निकाले हैं। तो ये है कि हद से आगे बढ़ने वाली बात है। हालांकि कुरान हदीस के अंदर खुला के तरीके बताए गए हैं कि खुला का तरीका क्या है, कुरान हदीस में उनको मिलता है खुला का तरीका, और ऐसे वाक्यात उसमें पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर हमको बतलाए गए कि वहाँ से पता चलता है कि जो है इस तरह से खुला किया जाएगा। लेकिन असल तो ये है कि हर फिरके अपने अपने बुजुर्गों की और आलिमों की पैरवी करते चले आ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ों को भी वो नहीं मानते। लेकिन यह जो उसके लिए दूसरे अपने अपने तरीके बना लेते हैं। हालांकि अल्लाह ने जो है कुरान में फरमाया, कुरान के अंदर वाज़ह है कि खुले का अधिकार जो है औरतों को अल्लाह ने दिया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 229 में फरमाया कि तलाक दो मरतबा है, फिर भले तरीके से रोक ले या भरी तरीके से उनको छोड़ दो, और तुम्हारे लिए उसमें से कुछ लेना भी जायज़ नहीं है, उसमें से तुम कुछ ले भी नहीं सकते हो, ये मना किया गया। और तुमने उन्हें जो दे चुके हो सिवाय इसके के दोनों को खौफ हो कि अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, तो फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि दोनों अल्लाह की हद को कायम नहीं रख सकेंगे तो दोनों में इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत मुआवजा देकर या फिदिया देकर उससे पीछा छुड़ा ले, जिसको कुरान में जो है इफ्तदा बिही इसको कहा गया। ये खुला का, ये भी खुला ही है, इसको भी खुला कहा जाता है। इसका जो हदीस में नाम खुला है और कुरान के अंदर इस लफ्ज से आया है कि वो उसको जो फिदिया देकर जो है उससे पीछा छुड़ा ले। तो ये अल्लाह की हदें और हद से आगे ना बढ़ो, और अल्लाह हद से जो है आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ इसमें साफ वाजे तौर पर फरमा दिया कि वो औरत चाहे तो वो उसकी जो उसको जो उसने लिया है उसको वो देकर या कुछ उसको ले देकर उसका जो है पैसा या मेंटेनेंस जो भी है उसको जो है फिदिया देकर वो उससे पीछा छुड़ा सकती है, कुरान के अंदर ये बताया गया है। और इसको जो है इसकी जो है तस्दीक यहाँ भी होती है, सही ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5273 के साबित बिन केस, इनकी केस की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में आई, अच्छे मुत्तकी परहेजगार एक साबित है, बहुत ही ज़्यादा इंतहाई मुत्तकी परहेजगार थे, इबादत गुजार थे वो, उनकी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम मैं मेरे शोहर के अंदर कोई ऐब नहीं देखती हूँ, कोई ऐब नहीं निकाल रही हूँ, ना अखलाक के अंदर ना दीन के अंदर, लेकिन मुझे डर है कि मैं अल्लाह की नाशुक्री ना हो जाऊं, क्योंकि मैं उनकी वैसी खिदमत नहीं कर पा रही होंगी जितने मुत्तकी परहेजगार थे, बराबरी से उनका साथ नहीं दे पा रही होंगी, तो मैं नाशुक्री ना हो जाऊं, इसलिए मैं उनसे खुला चाहती हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि क्या जो तुम्हारे पास में जो बाग तुमने उनसे मेहर में लिया था वापस कर दोगी? ने कहा जी अल्लाह के रसूल वापस कर दूंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि साबित को कि इससे बाग लो वापस और इसको छोड़ दो, तलाक दे दो। सामने भी नहीं बुलाया उनको, साबित बिन केस को सामने भी नहीं बोला, अल्लाह के रसूल सल्लम भी हुक्म दिया कि उनसे कहो कि बाग ले लो और इसको छोड़ दे। तो इसलिए अब ये भी है कि कोई वजह जानना भी जरूरी नहीं है, औरत खुला बिना किसी वजह के, यहाँ कोई वजह ही नहीं थी, साहब कह के मैं कोई ऐब नहीं तलाशी, ना दीन के अंदर ना अखलाक के अंदर कोई ऐब नहीं, किरदार के अंदर कोई ऐब नहीं, लेकिन बस ये कि मैं ना शुक्री ना हो जाऊँ अल्लाह के, इसलिए मैं इसको छोड़ दी। तो इससे ये बात मालूम पड़ती है कि क्योंकि बहुत से मसले ऐसे भी होते हैं, मियाँ बीवी का मसला ऐसा है कि
आप लायक उनको समझा लें, लेकिन अगर उनके दिल के अंदर एक बार नफरत घुस गई और मसला छोटा सा भी हो, लेकिन उनके अंदर फिर वापस मिलना मुमकिन नहीं होता, और दूसरे को अगर बताएं तो दूसरा उनका मसला कभी कभार उनको हल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव मसला होता है। सामने वाले को बताएंगे तो वो मजाक उड़ाएगा, अरे क्या इतनी सी बात पर, लेकिन इतनी सी बात उन दोनों के लिए बड़ी होंगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये है कि बिना किसी वजह अगर बता दे और उसका सुलह हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर वो इसके जो है उससे खुला ले सकती है, जिसको तलाक कह सकते हैं, कि गुजारा मुमकिन नहीं, तो फिर साथ रहने से अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके लिए है कि अलग हो जाना ही बेहतर है। तो ये हक जहाँ शोहर के पास है तो बीवी के पास में भी हक दिया गया है, उसको भी हक है। अब ये वाकया इतना साफ हम तक पहुँचा है, इतना साफ हम तक पहुँचा है कि और अल्लाह ने को हमको तक पहुँचाना था, इसलिए इतना साफ आया है ताकि हमको ये मालूम पड़ जाए। वो इसमें साफ है कि बिना किसी वजह के चाहे तो औरत तलाक ले सकती है, वजह बताना भी ज़रूरी नहीं है, उसके भी ले सकती है। और अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना पूछे इतने बात कही, अल्लाह के रसूल ने खुला दिलवा दिया। लेकिन मुसलमानों का ये मामला हो गया कि इस पर अमल की वजह से ऐसा हो गया, अब वो अपने जो है उन्होंने अपने अपने जो बनाए तरीके उस पर अमल करते हुए इसे हो गया कि औरत को इस्लाम में कोई हक ही नहीं है, तलाक लेने का हक ही नहीं है, उन्होंने साफ इसको वो कर दिया। लेकिन इस्लाम में औरतों को मर्दों के बराबर हक दिया गया है, बराबर हक दिया है, और ये जो है वाजे तौर पर इस पर साबित है। क्योंकि ये जो है अब ये इसमें ये बात हो सकती है कि इसके अंदर ये कहा गया कि बस थोड़ा सा डिफरेंस है, खुला के अंदर और तलाक के अंदर डिफरेंस क्या है, मर्द को इख्तियार है कि वो खुद दे सकता है, मुंह से कह देगा, दो गवाह रख के नियत होगी, पाकी में होगा, वो सारी शर्तें रख के वो उसको वो तलाक कह सकता है। औरत के लिए है कि थोड़ा सा अलग है कि उसको है वो खुद मुंह से नहीं कह सकती है, तो खुद मुंह से नहीं कह सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काजी के पास जाना पड़ेगा, ये जो है बड़ा है, इमाम है, जो भी उसके पास में जाना पड़ेगा, तो वो फिर उसकी तलाक करवा सकता है। अब ये है कि वो तकाजा करेगी, बस इतना फ़र्क है इसके अंदर, लेकिन ले तो सकती है। तो अब इसके अंदर हिकमत भी है, औरतें कहेंगे हमको क्यों नहीं दिया अधिकार, जब मर्दों को दे दिया मुंह से कह दे हो जाए, और हमको नहीं दिया कि हम भी मुंह से कह दे हो जाए, तो उसको जो है वो हिकमत की बात है, अल्लाह ने हिकमत के तहत वो बातें बताई है कि जो समझ में आती हुई है कि मर्द तो ताकतवर है और फितरती तौर पर औरत कमज़ोर होती है, फिजिकली तौर पर भी कमज़ोर होती है, तो औरत कमज़ोर होती है। अगर मर्द उसको तलाक दे दिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या करना है कि उसको तलाक देने के बाद घर में रखना है, और अल्लाह ने कह दिया कि औरत को भी चाहिए घर से ना निकले, जब इसे दे दिया, अब ये औरत के पास में हक होता, और औरत अगर गुस्से में आके जैसे भी उसको तलाक दे देती, जैसे ही तलाक देती तो शोहर तो उससे नाराज़ था, अब उसको घर में रखता क्या, रखता ही नहीं, वो औरत खुद दे दी तो रुक भी नहीं सकती थी, तो सुलह तो होती ही नहीं, फिर वो घर में रुकेगी नहीं तो सुलह तो होगी नहीं फिर। तो इसके पीछे ये हिकमत है कि इसलिए शोहर को दिया गया है कि ताकि वो दे देगा तो उसके बाद में घर में रहे, और घर में रहेगी तो सुलह की गुंजाइश होगी, और अगर वो घर से एक बार निकल गई तो फिर वो मुमकिन नहीं हो पाता है, वो मुमकिन नहीं हो पाता है। और यही हम देखते हैं कि इसी वजह से होता है कि जैसे ही तलाक का मामला होता है और कहते हैं तलाक तलाक हो गया, और उसको जो है घर से निकाल देते हैं, इसकी वजह से ये वापस सुलह नहीं हो पाती, इसलिए ये दिया गया है। तो अधिकार तो ये है कि फिर दोनों को जो है बराबर दिया गया है, बस थोड़ा जो है प्रोसीजर के अंदर तब्दीली उसके अंदर की गई कि औरत को अगर दिया जाता तो फिर क्या कि वो फिर निकल जाती और शोहर उसको रखता भी नहीं, क्योंकि उससे नाराज़ था कि तूने मेरे से बगैर पूछे और इस बात पे तूने बोल दिया, तो फिर वो उनका मिलना नामुमकिन हो जाता बार बाहर निकलने के बाद में। तो ये हिकमत इसके अंदर है, इसलिए तब्दीली रखी गई, लेकिन ये गुंजाइश उसके अंदर जो है बाकी रखी गई ताकि जो है, और ये गुंजाइश है ताकि उनको मिल जाए। और निकाह जब दोनों की मर्जी से होता है, एक लड़का लड़की जब वो रजामंदी देते हैं तो होता है, तो ये दोनों ने एक तरह से उनका जो है ये मुहाइदा हुआ है। और अगर इसको मुहाइदा उसी को कहते हैं कि दो जगह ने मुहाइदा करे, और अगर एक उससे नाराज़ है या कुछ के अंदर जो है वो है, तो फिर वो उसको क्या कर सकता है कि उसको वो एक जना तोड़ेगा तो टूट जाएगा, अब या बीवी तोड़े या शोहर तोड़े तो वो टूट जाता है। तो दोनों को जो है अधिकार जो है बराबर का दिया है, तो वो तोड़ना चाहे तो टूट जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये है कि एक फिक में तो ये है कि तलाक सिर्फ शोहर दे सकता है, औरत नहीं दे सकती, और अगर कोर्ट भी चली जाए उनका तो ये फतवा है कि कोर्ट भी चली जाए, कोर्ट ने भी उनको अलग कर दिया तो भी तलाक नहीं, वो गुनहगार है जब तक कि शोहर खुद तलाक ना दे, यानी खुला लेने जा रही है काजी के सामने कि मुझे उससे खुला दिलवा दो, और वो अगर वो शोहर को बुलाए, शोहर से इसको तलाक दे, शोहर के मैं तो नहीं दे रहा, तो उसका वो खुला ही नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पे राइज है। और
इसके लिए जो है बड़े बड़े मशहूर इदारे भी हैं। एक बड़ा मशहूर इदारा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10-15 साल से खुला का केस ही नहीं आया। तो केस तो बहुत सारे आए होंगे, आपने शर्त ऐसी रख रखी कि शोहर को भी बुलाओ और वो देगा तो फिर तलाक होगी, नहीं तो होगी नहीं, तो उसने बेचारी को अधर में लटका रखा है, वो लटकी पड़ी हुई है, उसको तलाक ही नहीं मिल रही, तो ये मसला होगा। उन्होंने परेशानी बताई भी उनकी होगी तो इन्होंने सुनी नहीं होगी, तो इसलिए एक तुम कह रहे हो कि 10-15 साल से हमारे यहाँ केस ही नहीं आया, तो तलाक के फिर धड़ल्ले से केस आ रहे, तो खुला का केस नहीं आ रहा, तो मतलब ये है कि आदमी झगड़े कर रहे हैं, या फिर ये बताना चाह रहे हैं। तो ये है कि इसके अंदर ये कई औरतें इस तरीके से जिनको जो है शोहर की तलब से कहा गया कि शोहर जब तक नहीं देगा तो तलाक नहीं होगी, तो बेचारी अधर में लटकी हुई अपनी ज़िंदगी जो गुजर बसर कर रही है मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर अपने साथ में, वो है। जबकि इसका हल इस्लाम ने दे दिया गया था कि औरत को जो है हक दिया गया, और इसके अंदर भी सुधार लाने की ज़रूरत है कि जब हक दिया गया और वाजे साफ है तो कुरान के अंदर भी और हदीस के अंदर भी मिलता है, तो इसके अंदर भी सुधार आने की ज़रूरत है। तो खुला के लिए जो है, अब खुला के लिए क्या है, तो मसाइल क्या है इसके लिए, इद्दत एक हेज है, एक हेज तक वो, एक माहवारी तक वो रुकी रहेगी, वो तलाक के लिए 3 हेज है और इद्दत जो है इसके लिए खुला के लिए 1 हेज है। और इसके ताल्लुक से एक वाक्या भी मिलता है, ये वो जो हदीस अभी हमने देखी थी उसके ताल्लुक से मिलता है, हजरत के उस्मान के दौर के अंदर उनके पास में एक औरत आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने बात बताई कि मैंने जो है इस तरह से अपने शोहर से खुला किधर वो किया, तो उन्होंने कहा कि अगर तूने ये खुला लिया है तो तेरे लिए मैं वही तुमको तरीका बताता हूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था साबिन बिन केस की बीवी को, कि तुम्हारे लिए हेज 1 महीना है और अगर तुम्हारी इद्दत गुजर गई तो तुम्हारे पर कोई फिर इद्दत नहीं है, तुम जो है दूसरा निकाह कर सकती हो। तो ये है कि अगर हम इसको सही तरीके से औरतों को उनके हकूक़ दें इस्लाम के अंदर जो बता गए, तो फिर जो है वो जो है इस तरीके से दूसरी शरी अदालतों को छोड़कर दुनियावी अदालतों में नहीं जाएंगी अगर हम उनको सही उसको देंगे। तो उसके बाद और ये ऐसा तरीका बताया गया है कि हम किसी को बताते हैं और फिर औरतें क्या करती हैं, उनको जब यहाँ हल नहीं मिलता इस्लाम के अंदर और ये इस तरीके से फतावे चलते हैं तो औरतें क्या करती, फिर दुनियावी अदालत में चली जाती है और वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद में फिर ये सब शोर मचाते हैं कि जो है औरतें हमारे जो दीन के केस को और वहाँ ले गई और कोर्ट फिर हमारे जो है शरीयत के मसले के अंदर मुदाखलत कर रही है, उसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो ये कि वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप उनको ये अधिकार दे दें तो उनको ये। और इसके अलावा भी ये भी है कि हक तो इस्लाम ने ये दिया है और ये इसके लिए जो है बादशाह या काजी का होना भी शर्त नहीं है, जो तमाम शराइ थे कोई बड़ा शख्स है जो निकाह में मौजूद थे वो भी हो तो उसके सामने भी वो खुला ले सकती है, यहाँ तक जो है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। अब ये है कि मुसलमानों ने जब ये नहीं किया और अगर ये किसी गैर मुस्लिम को बताया जाता, और मैंने बताया भी कई लोगों को, तो कहते हैं यार इतना बेहतरीन तरीका तुम्हारे यहाँ पर दिया गया आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी, और हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं कि उनके यहाँ तो एक बार होता है, क्योंकि उनके वहाँ पर ये नहीं होता है, हमारे यहाँ पर मुआहिदा हो रहा है, उनके यहाँ पर दान होता है और इस्लाम ने मुआहिदा करके उनका निकाह किया है, मेहर रख के किया है, उनके वहाँ पर जो होता है उसको बोलते हो कन्यादान, कि वो दान दे देते हैं, तो दान वाली चीज़ तो वापस कोई मांग ही नहीं सकता, वो दान चीज़ तो ये है कि जिसके पास आगे जो चाहे जैसा इस्तेमाल करे उसको कहा जाता है दान, जिसने दे दिया वो मांग भी नहीं सकता, और जिसके पास है तो वो तो दान पुण्य में मिली हुई खैरात जकात खैरात की चीज़ है, वो चाहे जैसा इस्तेमाल करे, तो वहाँ पर तो ये है, तो वो तो बेचारी सिसक रही है। अगर हम ये तरीका रखें और इस पर अमल किया जाए, हमारी औरतें जब उनको बताए तो इनको देख के वो खुद हमारे पास में आ जाएंगे, वाकई हमने हमारे दीन ने तो कुछ दिया ही नहीं, इनके दीन ने जो कितनी बेहतरीन तरीका दिया है, जो वो उसके अंदर आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे, उसको जो दावत तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही तरीके से हम लोगों को बताएं। तो जब बस ये है कि ये इस्लाम है और ये फितरत दीन हम इसको कहते हैं, तो फितरत दीन में ऐसी कोई बात नहीं आ सकती जो हमारी फितरत के खिलाफ हो, जिसका हमारा दिल हमको गवार ना करे, और औरतें इस बात को जानते हैं, उनका दिल इस पर जो है नागवार गुजर रहा है कि इस तरह का मामला में उनको फंसा दिया गया, 3 तलाक के उसमें भी उनको जो है इस तरीके से उसको करा गया, बल्कि उनसे सिग्नेचर करवा करवा के उनको दिया गया जाकर, फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये 3 तलाक बेन, तब ये इस्लाम के मुताबिक फैसला दिया कोर्ट ने, क्योंकि होता ही नहीं, मैंने आपको बता दिया उसके अंदर जैसे ही बोला और उसके सस्पेंशन पीरियड चालू हो जाएगा तो दे ही नहीं सकता उसको, तो कैंसिल कर दिया कोर्ट ने भी, तो इस्लाम के मुताबिक भी कोर्ट का फैसला भी आया है, उन्होंने भी दिया है। अब यह है कि मुसलमान अगर औरतों को उनके खुला के अधिकार, तलाक के जो मसाइल, उसके इसके अलावा विरासत के अंदर हिस्से वो भी नहीं देते, कुरान के अंदर वाजे बताया गया है कि ये हिस्से औरतों के देना है, तो बहन का भी खा के डकार के बैठे हुए हैं,
दे ही नहीं रही, बेटियों पर डकार के बैठे हुए, उसको पहले दहेज दे दिया, शादी कर दिया, उसको देना ही नहीं। तो ये अधिकार जब नहीं मिलेंगे, अगर ये दिए जाए अमल में और लोग जब गैर देखेंगे, तो हमको किसी को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग खुद ही उसके अंदर जो आते चले जाएंगे। तो ये है कि अधिकार दें, उनके हक दें, साबित करें, तो उसके बाद में फिर ये अमल से साबित होना चाहिए। तो फिर ये काम का हमारे लिए, बस हम कहने के लिए कि इस्लाम के अंदर सबको अधिकार दिए हैं, दिए का है, खाली आप बता रहे हैं, अधिकार आपने दिए नहीं है। तो यहाँ अल्लाह ने ये फरमाया कि ये चीज़ें कि इसके ताल्लुक से इसी के अंदर ये सब बताने के बाद में कि अल्लाह की हदें हैं और इस हदों को तुम पार ना करो, और अल्लाह के हदों को पार करने वाले यही जालिम लोग हैं, जाली में जो अल्लाह के हदों को पार करे। तो अब ये तरीका मैंने मुख्तसर आपको ये इसका बताया, तलाक का देने का सही तरीका, और इसी तरह जो है ये खुला का तरीका भी मुख्तसर हमने इसमें देखा। तो ये साफ और वाजे और रोशन है, और ये जो है अब हमको कुछ किताबों में इसके खिलाफ मिलता है, कुछ बातें हमको इसके खिलाफ मिलती हैं, कुछ फतावे मिलते हैं, कुछ बातें मिलती है कि नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर ऐसा भी है, और ये चीज़ें हैं तमाम चीज़ें आती हैं। तो हम किसको लेंगे जो कुरान के मुताबिक है उसको लेंगे, ये जो कुरान के खिलाफ है उसको लेंगे? तो हम उसी को लेंगे जो कुरान के मुताबिक है, उसको हम लेंगे। तो उसके अंदर फिर अगर उसके खिलाफ लेंगे तो फिर अल्लाह ने कह दिया अल्लाह की हदें हैं, उसके हद से जो पार करता है तो वो फिर वही जो है जालिम। इसी तरह सूरह माईदा में अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 44 के अंदर कि जो हमने नाजिल किया उसके हिसाब से कोई फैसला नहीं करे तो वही काफिर है, वही जालिम है और वही फासिक है। कंटिन्यूस 3 आयत के अंदर ये बात कही गई कि हमारे उतारे हुए फैसला ना करें। तो ये चंद बातें थी जो मैंने रखी खुला औरत का अधिकार इसके ताल्लुक से। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे मोहम्मद सलाम पे जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस हाल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।